गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डन इज माई पैसन। सो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि पॉइनसेटिया का प्लांट कैसे ग्रो करता है। ये बहुत सुंदर पॉइनसेटिया प्लांट है जिसमें बहुत सारे फूल, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ टिप्स बताऊँगा कि कैसे आप ये पॉइनसेटिया के प्लांट्स ग्रो करें, कैसे कैसे केयरिंग टिप्स हो, और बहुत सारे टिप्स हैं। आप बहुत ध्यान से सुने और इसको ग्रो करें, आपको बहुत अच्छा फूल खिलेगा आपका पॉइनसेटिया। सो इसका साइंटिफिक नेम है यूफोर्बिया पुलचेरिमा। साइंटिफिक नेम है यूफोर्बिया पुलचेरिमा और इसका साइंटिफिक नेम है, और इसके फैमिली है यूफोर्बिएसी, और ये आया है मेक्सिको से। ये नेटिव टू मेक्सिको है और बहुत सुंदर पौधा है। और आप कहीं से भी पौधा परचेज कीजिए नर्सरी से और ज़रूर आपके गार्डन में लगाइए, और ये आप इंडोर भी लगा सकते हैं आपके हाउस प्लांट के हिसाब से। तो ये इसका अलग से नाम क्रिसमस फ्लावर या लोबस्टर फ्लावर या फिर मेक्सिकन फ्लेम लीफ कहते हैं। और मेनली ये लीव्स है, पत्ते हैं, ये कलर में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे पिंक कलर, लाल और क्रीम कलर, बहुत तरह के कलर में आते हैं। और ये बेसिकली ये ब्रैक्स हैं, ये फूलों की पत्ती नहीं है, ये पत्ते हैं, पत्ते कन्वर्ट हो गए कलर में। और ये इसमें पीले रंग के, हरे रंग के फूल होते हैं। ये फूल अच्छे नहीं होते हैं ज़्यादा, इसलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उसमें पोलिनेशन हो, ये इसमें ब्रैक्स जो है पत्ते कलर हो जाते हैं। तो ये क्रिसमस टाइम में मेनली ये होते हैं, इसलिए इसको क्रिसमस प्लांट भी बोलते हैं। और ये क्रिसमस में इसको सजाने के प्रोग्राम में, दिसंबर में इसको काम में लगाए जाते हैं, और इसके लिए इसको क्रिसमस प्लांट कहा जाता है। और ये बहुत सुंदर पौधा है, आप लगाइए, और इसके मैं टिप्स बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप देखिए और आप ध्यान रखिए। जब ये परचेज करें, आप ऐसे पौधे खरीदें जो एकदम ताज़ा हो और पत्ते बिल्कुल साफ सुंदर हो, साफ हो, और नीचे का जो पत्ते हैं बिल्कुल हरे होने चाहिए बिल्कुल, और उसमें कुछ फंगस नहीं लगा हो, और उसमें फूल खिले हो, लेकिन उसके फूल कली में हो, पूरे फूल नहीं खिले हों। पूरे फूल खिले होंगे तो वो पौधे जल्दी सूख जाएंगे। और ये जो सॉयल है, ये थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, लेकिन पूरी गीली नहीं हो, इसमें मिट्टी में पानी नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं हो, कोई भी फंगस का अटैक ना हो। ऐसा कोई पौधा खरीदिए जिसमें इंसेक्ट का या फंगस का अटैक नहीं है। ये बहुत कॉस्टली पौधा है, ये इंडिया में करीब 150 से 250 रुपये में आता है, और डॉलर में इसको कहा जाए तो कम से कम $3-4 आ जाते हैं, तो बहुत कॉस्टली है। तो बहुत ध्यान में रखें, और बहुत सेंसिटिव प्लांट है, और धीरे से ध्यान नहीं रखेंगे तो जल्दी मर जाएगा। तो इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसमें, अगर आप पानी ज़्यादा रखेंगे नीचे तो ये मर जाएगा। तो बहुत सारे आप टिप्स है, और आप पहले क्या करें, एक गड्ढा खोद लें, ये गड्ढा करीब 10 इंची का डीप होना चाहिए, और ये चौड़ा होना चाहिए गड्ढा, करीब 8-9 इंच का करीब चौड़ा हो गड्ढा। तो पहले गड्ढा खोद लें आप, जहाँ पर से आपको ये पौधा लगाना है। और जो पॉटिंग मिक्स लगाएंगे, उसमें गार्डन सॉइल लेंगे 2 हिस्सा, एक पार्ट जो लेंगे भार्मी कंपोस्ट और एक पार्ट लेंगे काउडंग कंपोस्ट, माने गोबर का खाद, और भार्मी कंपोस्ट लेंगे एक पद, और 2 भाग आप मिट्टी लेंगे। तो क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो आपको इसलिए भार्मी कंपोस्ट और गोबर के खाद ज़्यादा देनी पड़ेगी। और ये पॉटिंग करने के लिए बहुत आइडियल है। और ये देखिए, मैं आप कैसे करें, और थोड़ी सी ऊंची जगह में लगाएं जहाँ पानी नहीं जमे। पानी अगर जम जाएगा पौधे के सूट में नीचे पौधे के, तो पौधे मर जाएगा। तो ये सॉइल मिक्स बन रहा है, इसमें हमने मिट्टी के साथ 2 हिस्सा मिट्टी के साथ हमने वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हैं उसमें, और उसमें 1 हिस्सा गोबर का खाद बनाया, काउडंग कंपोस्ट मिलाया है, और ये आपको बन रहा है। तो देखिए, ये बन रहा है हमारा जो है सॉइल कंपोस्ट। तो ये सॉइल मिक्स बन गया है हमारा। अब इसको हम धीरे अब इसको लगाएंगे, कैसे ये हम इसको डालें, ये भी एक तरीका है। ये आप देख लीजिए कैसे इस सॉइल मिक्स को हम उस गड्ढे में डालेंगे, कैसे इसको आपको पौधे को लगाना है। तो ये हमारा बन रहा है, करीब करीब ये बन चुका है हमारा सॉइल मिक्स जो है, और अब हम इसको लगाएंगे। तो कैसे ये पौधे लगाएं, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे ये करते हैं। तो चलिए, ये गड्ढा बन गया है, इसमें करीब 3 इंच का एक बेड बना दीजिए, जो हम सॉइल मिक्स बनाए हैं उसमें करीब 3 इंच का एक बेड बना लीजिए, और पौधे को निकालिए, और नीचे से थोड़े से जो है मिट्टी हटा दीजिए,
और जो बालू वगैरह है वो हटा दीजिए, लेकिन ज़्यादा मिट्टी नहीं हटाइए, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी हटाएंगे तो वो शॉक में चला जाएगा पौधा, शॉक में चला जाएगा तो पत्ता झड़ा देगा और पौधा मर जाएगा, मर नहीं जाएगा लेकिन वो काफ़ी सारे पत्ते झड़ा देगा, वो झड़ जाएगा पत्ता। तो अब इसमें हम जो है पॉटिंग मिक्स जो है वो इसमें डाल देते हैं, जो और ये और थोड़ी ऊंची जगह में लगाइएगा पौधा, नीची जगह नहीं हो, जहाँ पानी बारिश का पानी जमे वैसी जगह में नहीं लगाइए पौधे। और ये पौधे हमने लगा दिए हैं और बहुत सुंदर है, देखेगा करीब जनवरी फरवरी तक ये पौधा सुंदर दिखेगा। ये देखिए मैंने आप दिखा रहा हूँ एक दूसरा पौधा है, ये लाल रंग का है पत्ता, बहुत सुंदर है। और सारे सॉइल नहीं हटाइए उसमें से, थोड़ा सा अगर चाहें तो हटा दीजिए और उसमें सॉइल मिक्स दे दीजिए। तो इसको करके आप, और ये पौधा ज़रूरी है क्रिसमस में लगाइए, आप ज़रूर एक घर में लाइए, इस क्रिसमस में ये पौधा आपके घर में आना चाहिए। और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं मत डालिए, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो ये पौधा हो सकता है इसका रंग खराब हो जाए, तो केमिकल कोई भी कुछ भी नहीं डालिए इसमें। तो ये आपको मैंने दिखाया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और अगर चाहे तो आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल, बहुत बहुत सारे पौधे के बारे में आपको बहुत सारे वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।